कोविड सिचुएशंस के बिगड़ते हुए हालात को देखने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने लिया है ये बड़ा फैसला और साथ ही साथ उठाए हैं ये बड़े कदम। आखिरकार कोविड मरीजों के लिए प्रियंका चोपड़ा ने कौन से बड़े कदम उठाए हैं, चलिए आपको ये दे दूं गुड न्यूज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। वेल द मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड एज वेल एज हॉलीवुड सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा एक ग्लोबल आइकॉन बन चुकी है। बेसिकली प्रियंका, आपको बता दूं कि अब फिलहाल इंडिया में तो नहीं बल्कि बाहर ही रहती हैं, ज्यादातर विदेश में ही रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ। और अब ऐसे में फिलहाल आपको बता दूं कि प्रियंका चोपड़ा इस मुश्किल सिचुएशन में भी इंडिया का साथ नहीं छोड़ रही हैं। वो लगातार इस मुश्किल सिचुएशन में भी इंडिया की हालात को, बिगड़ती हुई हालात को देखने के बाद, कोरोना पेशेंट्स के बढ़ते हुए उनके खराब कंडीशन को देखने के बाद, जहां आपको पता ही है कि कोरोना काल अब ऐसा काल बन चुका है जहां पर हॉस्पिटल्स में बेड फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जहां पर आपको बता दूं कि वेल प्रॉपर वैक्सीन नहीं मिल पा रहे हैं और ना ही प्रॉपर अब कोरोना पेशेंट्स को इलाज दे पा रही हैं प्रॉपर वैक्सीन हैं। सो फाइनली अब इन तमाम सिचुएशंस को देखने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने यूएस से गुजारिश की है और कोविड वैक्सीन्स की मांग की है। जी हाँ, रीसेंट ट्वीट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा ने यूएस से में जहां पर 550 से भी ज़्यादा वैक्सीन्स मंगाए गए हैं, यानी कि जितनी ज़रूरत है यूएस में उससे भी ज़्यादा वैक्सीन्स वहां पर अवेलेबल हैं, वहां पर मंगवाए गए हैं और बाकी कंट्रीज में भी भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं भिजवाया जा रहा है, इस बात पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यूएस से मदद मांगी है, उन्होंने टैग करते हुए ये लिखा है, प्लीज़ आप हमारे देश इंडिया में भी जो वैक्सीन्स हैं वो अवेलेबल करवाएं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी काफ़ी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जितने आपको ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा अवेलेबल है, तो इसलिए आप हमारे देश इंडिया में भी वैक्सीन्स अवेलेबल करवाएं। तो बहुत ही अच्छी कदम उठाई है प्रियंका चोपड़ा ने। इस अच्छे कदम के साथ प्रियंका चोपड़ा की इस कदम को, स्टेप को आपको बता दूं कि सराहनीय किया जा रहा है, फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है जिस तरीके से प्रियंका चोपड़ा ने स्टैंड लिया है इंडिया के लिए और कोविड पेशेंट्स के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से प्रियंका चोपड़ा ने वैक्सीन्स की डिमांड की है और अब देखना बेहद ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या प्रियंका चोपड़ा के इस ट्वीट से वाकई कोविड वैक्सीन्स अवेलेबल करवाए जाते हैं या नहीं। क्या कहना है आपका इस खबर पर, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।